पति भव कहते हुए ना हजारों निकल गए और हजारों को आशीर्वाद देने में तो घंटे से तो कम क्या लगे होंगे, दो चार घंटे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया जी से आशीर्वाद देने की प्रथा चल रही है, भैया क्या सारे द्वारका वासियों से मिले आए हो? भगवान ने कहा नहीं, सारे द्वारका वासियों से नहीं कह के आया। तो ये इतनी पत्नियां, इतनी नारियां, हाँ सभी अपनी हैं। अपनी का नाम लिया तो भगवान ने सुदामा जी ने और आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा कह रहे थे, लेकिन अब सौभाग्यवती ही कहने लगे। सौभाग्यवती भव हजारों निकल गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हाँ एक बात बताओ, कितनी पत्नियां हैं आपकी? भगवान ने कहा 16,108। अभी ब्राह्मण देवता ने अनुमानित किया अपने विवेक से तो 2,000 चली गई और 16,008 उसने कहा हजार और निकल गए। सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। सुदामा जी कहने लगे भाग्यवती भव भाग्यवती भव भाग्यवती भव। हजार और निकल गए। भगवान से कहा सुदामा जी ने एक बात कहूँ? हाँ ये बताओ सब अपनी है ना? भगवान ने कहा अपनी है। अब भगवान से सुदामा जी ने कहा बिल्कुल अपनी है ना? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल एक नंबर वाली अपनी, बिल्कुल एक नंबर अपनी। भगवान सुदामा जी ने देखा तेरी तो ये एक नंबर की पत्नियां इतनी हैं, लेकिन भैया कन्हैया हमारी तो एक ब्राह्मणी होगी। और सुन अब तेरी इन पत्नियों को आशीर्वाद देने में ना मेरी गोविंदाय नमो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो दुबला पतला हूं। और किसी पहलवान से कहा जाए 16,108 से सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती वो कर पाएगा क्या? नहीं, नहीं। सुदामा जी ने कहा मेरी एक ब्राह्मणी है तो मैं तो मर जाऊंगा, कैसे लौटूंगा ब्राह्मणी के पास? भगवान ने कहा तो क्या करना चाहिए? सुदामा जी ने कहा यह आशीर्वाद जो मैं दे रहा हूँ यह तेरे लिए दे रहा हूँ, यह आशीर्वाद तेरे लिए दे रहा हूँ, इसलिए इन सब से मना कर दे और तू मेरे पास में आ जा। और जो बचा रह गया है वह आपको अर्पण कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं रखना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, सर्वस्व मैं तुम्हें दे दूंगा, जो बचा रह गया है इसलिए इनसे मना कर दो और तुम ही इनके बदले में मेरे पास में आ जाओ। सुदामा जी की बात सुनी कष्ट मित्र को उड़ाए मना कर दिया रहने दो। पत्नियां रुक गई, भगवान चरणों में बैठे और सारा का सारा आशीर्वाद सुदामा जी ने भगवान को समर्पण। अच्छा तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ है मेरा, सर्वस्व लुटा दिया है सब तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ है मेरा, तन मन धन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ है मेरा। लेकिन आज का व्यक्ति आरती गाता मन ही मन में, आप मुख से तो बोलता है तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आज का व्यक्ति कहता है मन में कहता है कि तन मन धन और जीवन यह सब कुछ है मेरा, यह सब कुछ मेरा है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझे अर्पण और जो मेरा है वो तेरा और जो तेरा है तेरा।
तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा और तेरा कुलकुवर पर क्या लागे मेरा। यह तन मन धन कोठा कोठली से हाथ नहीं लगना चाहिए, बाकी सब माल तेरा है, बाकी यह सब मेरा है और बाकी तेरा है। जेब में 500 का नोट रखा है वह मेरा है और बाकी सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगा है। और 500 का नोट जेब में वो तो है मेरा, वो मेरा है, बाकी सब तेरा है। कोठा कोठली से हाथ ना लगे, सब माल तुम्हारा है। सुदामा जी ने अर्पण कर दिया सर्वस्व तेरा। और भोजन कराया, स्नान ध्यान इत्यादि आशीर्वाद भगवान ने भी साथ में भोजन किया। 36 प्रकार के व्यंजन सामने थे, सो ऐसा नहीं कि भूखे सुदामा जी टूट पड़े हो खाते रहे, नहीं है। कन्हैया जी को साथ बैठा करके खिलाया, तब भोजन किया। भोजन के बाद विश्राम गृह में पहुंचा दिया। कन्हैया जी ने देखा आज सारी मीटिंग, सारी सभा, सब कुछ है ना, रद्द कर दो। क्यों? क्योंकि आज हमारा कोई खास आया है और वह खास कौन है? सुदामा। और सुदामा जी की सारी मीटिंग, सारी सभा, सब कुछ रद्द कर दिया है। आज आज नहीं करेंगे, आज तो हमारा मित्र है और अपने मित्र के पास बैठे बैठे खास प्रयास चल रहा है, बड़ा विनोद की बात है। भगवान ने कहा सुदामा जी, हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक बात बताओ, गुरुकुल के बाद में क्या किया? सुदामा जी ने कहा शादी कर ली घर वालों ने, शादी हो गई। हाँ तो और कोई आगे बच्चे? बच्चे हाँ, चार बच्चे हैं। तो भाभी का नाम क्या है? सुशीला। ओहो, यथा नाम तथा गुण। फिर हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने देखा इतनी बड़ी बड़ी देवियां हैं, बड़े बड़े घरानों की, और ये राजभवन सब कुछ, और ये फटे टूटे भरे हुए कपड़े में तंदुली ने कैसे दूं भगवान को। और सोचने लगे रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा ना, ये चली जाएंगी सोने के लिए, तो चुपके से दे दूंगा मैं और जानू और मेरा मित्र जाने, ये सब क्या जाने, चुपके से दे दूंगा। और इसी दबाव है अभी से कुछ नहीं। अरे भाभी के पास क्या जो मुझे देती, कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, बड़ा प्यार से भगवान ने कहना हास परिहास करना प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर का भगवान। श्याम श्याम कही मुस्काए सुदामा सु, चोरी की पान में हो जो प्रभी ने। सुदामा हाँ, चोरी करने में तो उस जमाने में भी चतुर हो और आज ही चतुर हो छुपाने में। सुदामा जी ने कहा क्या कर रहे हो तुम? अरे लाला कन्हैया, अरे देखो वो बचपन की बात है, छोटे थे बचपन था, बचपन की तो दुलार, बचपन तो बचपन होता है, सब जानते हो ना। कन्हैया जी ने कहा वो बचपन की बात है, तो अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बगल में पोटली को थोड़ा खींचते भगवान ने कहा सुदामा बड़ा भूल आया। श्याम कही मुस्काए सुदामा सु, चोरी की बात न हो जो प्रभी ने। आगे चना गुर मात दिए, लिए तुम चाव हमें नहीं दिए। आगे आगे गुरु माता ने चने दिए थे, कटक 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 कटका लिए, हमें दिए नहीं आपने। आपने भगवान ने सुदामा जी ने कहा वो ऐसे ही, भगवान ने कहा तू ऐसे ही क्या, आप ही वही कर रहे हो कि पोटली काक में चाप रहे तुम। ये पोटली काक में डुबका रहे हो कि पोटली काक में चाप रहे नहीं, खोलत ना ही सुधार सुधी ने, और पाचली बात अजौन तजो तुम। पैसे ही भाभी के तंदुल, मेरी गुरु माता के चावर चनों को तुमने ऐसा ही कर दिया, और ऐसा ही भाभी के तंदुलों को करने जा रहे हो, वो मैं होने नहीं दूंगा। और एकदम से भगवान ने हाथ बढ़ाया और खींच लिया, और खींच करके खोल करके आ ठाकने लगे।
दही पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, लगे हाथ ने प्रेम से ध्वजवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसे अमृत में स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान राज सीधी के हैं, यह प्रेम सुधा में पके हुए चावल स्वादिष्ट अति मीठे हैं। एक मुट्ठी भरती आनंद आ गया, दूसरी मुट्ठी भर के खाया। दो लोगों का अधिपति सुदामा जी बन चुके हैं आज, लेकिन किसी को खानों का कोई खबर ही नहीं है, कोई जान ही नहीं रहा कुछ क्या हो रहा है। तीसरी मुट्ठी भर के खाना ही चाह रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। वाह क्या बात, तीसरी मुट्ठी जैसे वैसे करना चाह, रुक्मणी जी ने क्या कर रहे हो। और सुदामा जी का समझे मन ही मन बात चल रही है, या रंक को राजा बना दियो, तुमका रंक बनना चाहे और बनना चाहे तो या के तो चार बालक झोंपड़ी में भी रह लेंगे तुम्हारे। या 56 करोड़ यदुवंशियों की जो संख्या है, नाती पोते बच्चे बालक नातियों के नाती पर पोते ये सब कहाँ जाएंगे, एक झोंपड़ी में आने वाले तो है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। बड़ा सुंदर कहा यार भगवान, हाथ कहो प्रभु को कमला नाथ का हाथ मने चित धारी, तंदुल खाए मुट्ठी दो धीरी दियो तो मने दो लोक बिहारी, खाए मुट्ठी दी सर अवनाथ कहा निज पार्षद आस बिहारी, रंग आप समान कियो तुम चाहत आपन हो भिखारी। भिखारी होना चाहते हो, सुनो भैया सुदामा जी को समझाने के लिए क्या क्या। आहा भगवान प्रभु क्या कर रहे हैं यार, इतने स्वादिष्ट बहुमूल्य पके रसास्वादन मैं तंदुरों आप ही खा जाओगे क्या। अरे हमें भी तो चाहिए ना, इसलिए छोड़ा दे भैया, राज कोई जान नहीं था। लेकिन आज बहुत कुशल चरण सेवा अद्भुत विनोद हास परहास की बेला चलती रही, प्रातः काल हो गया। सुदामा जी ने कहा अब हम जाना चाहते हैं, भगवान ने कहा तो अच्छी बात है चले जाओ, लेकिन यहाँ रात्रि भर सुदामा रहे और भगवान से बात कर रहे, और वहाँ रात्रि भर कन्हैया सुदामा जी के घर पर आकर के रहे, और क्या किया पता है। अब आ गए भगवान सुदामा को, सुशीला ने देखा भगवान आए हैं, प्रभु क्या चाहिए भाभी तुम्हारे क्या परेशानी है, अब मुझे बताओ आप, मैं आ गया हूँ। कहा कुछ परेशानी नहीं है, नहीं अब अपने जैसा राज समाज बनाना। सुशीला ने कहा नहीं नहीं मेरा बनाना भी चाहते हो तो पहले मेरे सारे गांव वालों सबका कल्याण करो पहले, उसके बाद मेरा। फिर भगवान को क्या कर रहा, भगवान ने अपने जैसा ही महल बनाना प्रारंभ किया, सबके स्वर्ण महल जैसे कि दूसरी द्वारका पूरी बन रही हो, और बना दिया सर्वस्व भोग राजा शासन भाव महाराज लक्ष्मी जी का ग्रह आनंदमय भाव। अब तो सुदामा के आनंद हो गए, यहाँ गए भगवान ने, सुदामा जी ने कहा जाना चाहते, भगवान ने कहा मना कौन कर रहा है, चले जाए। सुदामा जी चलने लगे, कुछ लिया ना कुछ दिया, और इच्छा भी नहीं थी लेने देने, लौट लौट गया।
जैसे बुलाया था जैसे ले गए थे वैसे ही बैलगाड़ियां बैल वाला बन ये बन वो बन भगवान ने पार कर दिया। यहाँ से देखा कि बड़ी सुंदर नगरी, अब विचार कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं लौट के द्वारका में आ गया हूँ। पूछा कौन सी नगरी है? सुदामापुरी। यहाँ का राजा सुदामा सेठ या मेले सेठ जी गए कहाँ है? द्वारकाधीश से मिलने। और द्वारकाधीश से मिलने हमने उनकी पत्नी होगी क्या मिलाओगे? निकल करके आए सुशीला अपने ब्राह्मण देवता को देखकर चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ करके निवेदन, मैंने कुछ कहा नहीं था प्राणनाथ, मैंने मांगा भी नहीं था। सुदामा जी ने कहा तूने मांगा नहीं तो फिर कहां से आया? भगवान आ गए। सुदामा जी ने कहा तेरी इच्छा भोग भोगों में लुप्त थी, इन राशनों में लुप्त थी, इसलिए तूने चाहा तो दिया। और सुशीला अब बच्चों के साथ तक तू ऐश्वर्य आराम और आनंद को भोग, मैं तो चला भगवान का भजन करने। और जैसे सुदामा जी जाने लगे कन्हैया जी ने एकदम से आकर आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा सुनो। अब देखा मेरे प्रभु अंदर से आवाज लगा रहे, दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? सुदामा जी ने कहा प्रभु मैंने आपसे मांगा तो नहीं था ना, क्यों दिया आपने? क्यों दिया? मैंने तुमसे मांगा तो नहीं था, तुमने मुझे दिया, बहुत गलत किया, नहीं देना था। बार 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 भगवान बड़े आनंदमय भाव से भगवान को मनाने लगे, बड़ी सुंदर भाव, बड़ा आनंदमय भाव है, प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंदमय धन्य भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा जी ने भगवान जी कहने पर वहां रह कर बहुत आनंद।